So guys, this is the revision part of Coulomb Force and Electric Field. Okay, तो हम रिवाइज करेंगे जिन जिनका जिन्होंने क्लास में नहीं किया था उनके लिए. तो हम रिवाइज करेंगे कूलम फोर्स, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो पहले कूलम्स लॉ पे देखते हैं क्या है. कि एक्चुअली में होता है कि हमें पता है कि दो चार्जेस जो हैं एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं. अगर सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो है क्या कि मान लेते हैं दो जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं. तो मान लेते हैं ये चार्ज यहाँ पर रखा है क्यू वन और उससे डिस्टेंस आर पर रखा है चार्ज क्यू टू. ओके, तो ये क्यू वन इसको मान लो रिपेल कर रहा है. ओके, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये Q2 इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी कितनी, है कि नहीं? तो इसी को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो ये जो फोर्स थी या इसी को कूलम फोर्स भी बोलते हैं. तो उन्होंने कहा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्यू वन क्यू टू इनके मल्टीपल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड लोगे चार्ज का उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगी, और चार्जेस जितने ज़्यादा दूर होंगे फोर्स उनके बीच में उतनी ही कम होगी, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा होगी. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो उस केस में इस फोर्स को लिखा गया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को लिखा गया है कि क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. तो ये के क्या है, ये के जो है उसकी वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन है. ठीक है, तो ये एप्सिलॉन जो है इसको बोला गया ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या शो करता है कि अपना स्पेस में अगर चार्ज रखे हैं तो वो उनको इंटरेक्ट करने की कितनी परमिशन देता है. ठीक है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. इसी ऐसे ही अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है. तो जब हम मीडियम में चार्ज रखेंगे तो वो भी हम स्टडी करेंगे. तो अभी जो है चार्जेस हम वैक्यूम में देखेंगे. तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम आप कह सकते हो. तो उस केस में इतना फोर्स लगेगा, तो ये वैसा ही है जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, दो मासेस होते थे एम वन एम टू, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर होती थी, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती थी जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. तो अगर यहाँ से कूलम फोर्स देखें और ये ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है फॉलो करते हैं. ठीक है, तो काफ़ी दोनों सेम टाइप के फोर्सेज हैं. ओके, तो अब कूलम फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. एक तो ये जो है ये फॉर्मूला जो है ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है ना, तो ये जो एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. अब ये फोर्स जो है कूलम फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है. सेंट्रल का मतलब क्या है कि ये हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस के ही अलोंग लगेगी. तो फोर्स जो है वो एक्ट्स ऑलवेज अलोंग लाइन जॉइनिंग द चार्जेस. तो इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है हमेशा उसके अलोंग होगी. तो ये ऐसे होगी. ठीक है, तो इन इसके इधर लगेगी. एक्शन रिएक्शन पेयर होगी, क्यू वन इस पर जितना फोर्स लगाएगा वही क्यू टू उस पर उतना फोर्स लगाएगी. हम वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे, है कि नहीं? तो एक तो दो चार्जेस जो हैं वो ये रूल फॉलो करते हैं, उनके बीच में जो है ये फोर्स इतनी होगी. और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. ओके, तो वो क्या है, ये कहता है कि मान लेते हैं अपने पास एक
चार्ज है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है कूलम्ब फोर्स। इसमें क्या है कि मान लेते हैं अपने पास चार्ज है क्यू वन, ओके, यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू टू और यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू थ्री। अब ये क्यू टू क्यू वन पे फोर्स लगा रहा है, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्यू वन और क्यू टू के लगाएगा, तो मान लें वो सेम चार्जेज हैं, तो ये इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है कि नहीं। ऐसा ही ये थर्ड क्यू थ्री भी क्यू वन पे फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये हो जाएगा एफ ऑन वन ड्यू टू थ्री, ठीक है। तो उस केस में क्यू वन पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो क्यू वन पे जो नेट फोर्स होगा वो एफ वन टू और एफ वन थ्री का वेक्टर सम होगा, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू सेवरल चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस exerted by individuals, जो individual charges हैं। तो मतलब वो क्या कह रहा है कि जिस पे F net होगा, जैसे Q1 पे अगर हमें net force निकालना है तो Q2 की वजह से जो force लग रहा है प्लस Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उन दोनों का वेक्टर सम ही जो है, इन दोनों का वेक्टर सम अगर देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो वही जो है अपना एफ नेट होगा, ओके। तो वही तो एफ नेट जो है वो सिंपली एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री, ओके। तो एंड सो ऑन, अगर मान लो और भी चार्जेस हैं तो उस केस में यही जो है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। तो इसी में कूलम फोर्स ये भी एक जो है बात कहता है, एक पॉइंट ये भी है कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, ओके। तो वो F12 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F12 लग रहा है, तो ये फोर्स जो है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, doesn't get affected by presence or absence of other charges। इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लो Q1 पे Q2 Q1 पे ये फोर्स लगा रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में, तो Q3 यहाँ होता या ना होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर है या नहीं है, दोनों ही केसेस में Q2 जो है Q1 पे इसी डायरेक्शन में इतना फोर्स लगाएगा, ओके। हाँ, वो अलग बात है, Q3 होने से अब Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, दैट्स ओके। लेकिन Q1 और Q2 एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे इस Q3 का कोई लेना देना नहीं है, या उससे उस Q3 यहाँ है या नहीं है उससे वो चीज़, इन दोनों के बीच की अपनी इंटरेक्शन जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही है, ओके। तो ये एक पॉइंट था कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो अब थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि कूलम्ब फोर्स जो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो उस केस में K की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, 1/4πε0, और ε0 की वैल्यू जो है वो जो K था अपना वो था 1/4πε0, तो इसकी वैल्यू जो थी 9×10⁻¹, ओके। डायमेंशन आप चूज़ कर सकते हो, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, ओके। तो एप्सिलॉन जो है उसकी वैल्यू होती है 8.85×10⁻², और यहाँ पे हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी। अब जो है कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल देखते हैं।
मान लेते हैं अपने पास तीन चार्जेस हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल दोनों तीनों राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हैं। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज जो है वो क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। तो मुझे किसी एक क्यू पे जो है वो नेट फोर्स निकालना है, क्या होगा? तो ये साइड एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। तो इस क्यू की वजह से इस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रिपल्शन होगा। ओके, इस क्यू की वजह से इस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है कि नहीं? तो ये फोर्स एफ है, तो ये फोर्स भी एफ होगा। और एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एफ का मैग्नीट्यूड होगा की Q1 की वैल्यू क्यू है, Q2 की वैल्यू भी क्यू है, तो क्यू क्यू बाय डिस्टेंस दोनों के बीच में एल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है, यहाँ पे भी फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है, क्योंकि इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है, दोनों के बीच डिस्टेंस एल है। इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना होगा? अगर ये देखें तो ये 60 डिग्री एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो दो एफ नेट निकाल सकते हो, दो फोर्सेस है एफ, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो एफ नेट जो है वो सिंपली हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, तो F2 प्लस 2F2 cos 60 डिग्री। cos 60 जो है वो हाफ होता है, तो ये हाफ हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, F2 तो √3F2, तो ये हो जाएगा सिंपली √3 × F। ओके, और F जो के क्यू स्क्वायर बाय एल है, तो ये हो जाएगा √3 KQ² / L². तो ये जो है वो नेट फोर्स आ जाएगी एक चार्ज, इस पे कैलकुलेट करोगे तो इस पे भी आंसर यही आएगा। ओके, तो आप खुद कैलकुलेट करके देखो कि एक स्क्वायर पे क्या आएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको कंपोनेंट में भी रिजोल्व हम कर सकते थे। मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, उसके हर कॉर्नर पे चार्ज क्यू 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 है। तो वीडियो को पॉज करो और इस पे जो है नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो ये साइड सारे ए हैं, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करने का। हाँ, दूसरा तरीका क्या था कि अगर आप इसको देखो तो इन फोर्सेस को आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते थे। तो ये आधा एंगल जो है वो 30 डिग्री होता है कि नहीं? तो F का इसके अलोंग कंपोनेंट F cos 30 होता है, इस ये भी 30 डिग्री एंगल होता, तो इस F का भी इसके अलोंग कंपोनेंट F cos 30 होता, तो इधर हो जाता 2F cos 30 डिग्री, है कि नहीं? इसका F cos 30, इसका F sin 30, इसका एक कंपोनेंट इधर होता है F sin 30, है कि नहीं? और इसका भी दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है F sin 30। तो F sin 30 कैंसिल आउट हो जाते हैं, दोनों अपोजिट हैं, और 2F cos 30 जो है वो ऐड हो जाते हैं, मतलब F cos 30। तो ये सिंपली जो है नेट 2F cos 30 बचता, तो लिखते 2F cos 30 डिग्री, यही जो है वो आपका F नेट हो जाता। तो cos 30 √3/2, तो ये सिंपली √3F आता, जो आंसर अपना वहाँ से आया वही यहाँ से आता। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो कंपोनेंट में रिजोल्व करके, यहाँ पे वो भी हेल्पफुल रहेगा काफ़ी, अगर तो ट्राई करो खुद से। ओके, तो अब एक और पोर्शन है कि मान लें कि मेरे पास जो है चार्जेस हैं, है कि नहीं? तो उस केस में इन दोनों, यहाँ पे मान लें 4Q है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो 10 मीटर कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो दोनों चार्ज फिक्स हैं, तो मुझे बताना है कि थर्ड चार्ज क्यू, ठीक है, थर्ड कोई भी चार्ज क्यू है, तो मैं उसको कहाँ पे रखूँ? तो यहाँ से डिस्टेंस एक्स मुझे कैलकुलेट करनी है कि मैं कहाँ पे रखूँ ताकि वो चार्ज जो वो इक्विलिब्रियम में हो। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो वो चार्ज पॉजिटिव है, तो ये 4Q उसको इधर रिपेल करेगा, ये क्यू उसको इधर रिपेल करेगा, तो अगर ये दोनों रिपल्शन फोर्स जो वो इक्वल हो गई, तो वो चार्ज जो इक्विलिब्रियम में होगा, वही मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से अगर मान लो डिस्टेंस एक्स है, इस 4Q से डिस्टेंस एक्स पे अगर चार्ज क्यू रखा है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी 10 - x, टोटल 10 है कि नहीं? ये टोटल जो है वो 10 है। तो उस केस में 4Q कितना फोर्स लगाएगा? तो इधर 4Q फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा KQ 4Q / x²
ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड किस फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, इस जो ये क्यू लगाएगा इस क्यू पे, तो ये लगाएगा कितना है, के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस है 10 - x उसका स्क्वायर। तो के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अगर क्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 4 × 10 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकते हो, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा, वरना क्वाड्रेटिक इसको ओपन कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट करें तो ये हो जाएगा 2 × 10 - x इक्वल टू उधर हो जाएगा x, तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 - 2x इक्वल टू x, तो यहाँ से 3x इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 20/3। तो क्वाड्रेटिक में दो इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को कंसीडर करते हैं। ओके तो ये जो था ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ओके अब इसमें एक एडवांस थोड़ा सा हम वो क्या वो कर सकते हैं कि मान लो कि ये चार्ज अब दोनों फिक्स नहीं है, 4q और q ये दोनों फिक्स नहीं है, तो उस केस में अब क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, पहले ये देख लेते हैं कि ये होना क्या चाहिए। यहाँ पे 4q है, यहाँ पे q है, तो q और 4q दोनों सेम साइन है, तो ये 4q इस q को इधर फोर्स लगाएगा, और ये क्यू इस 4q पे सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। कोई अब बीच में आया अपना क्यू, अभी तक क्यू की वैल्यू कुछ भी हो है कि नहीं, उस केस में वो जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा है कि नहीं, क्योंकि ये जितना फोर्स लगाएगा, अगर मान लो क्यू पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये जीरो। अगर मान लो क्यू नेगेटिव है तो वो 4q इस क्यू को इधर अट्रैक्ट करेगा, क्यू इस क्यू को इधर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो फिर भी सेम रहेगा दोनों में। तो उस केस में क्यू तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो। ओके अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, पूरा सिस्टम मतलब 4q भी इक्विलिब्रियम में रहे और क्यू भी इक्विलिब्रियम में रहे, इनको अब इक्विलिब्रियम में रखना है। तो ये क्यू इस क्यू पे किधर फोर्स लगाए ताकि ये एक स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में रहे, यही तो बात है। तो 4q इस क्यू को रिपेल कर रहा है, तो इस कैपिटल क्यू को इस क्यू को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो उस केस में अगर ये क्यू इस क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो ये क्यू नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, ये बात तो समझ आती है। ऐसे ही ये नेगेटिव है तो ये इस 4q को भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी फोर्स तभी कैंसिल आउट हो पाएगी। ओके तो अब देख लेते हैं कि इस क्यू पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए है कि नहीं, किसी भी एक पे, या 4q पे कर लेते हैं या क्यू पे कर लेते हैं, तो इस पे नेट फोर्स जीरो कर लेते हैं। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब कि जितनी अट्रैक्टिव फोर्स है उतनी ये रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए। तो रिपल कौन कर रहा है, 4q, तो रिपल्सिव फोर्स कितनी है, के 4q क्यू बाय या टोटल डिस्टेंस 10 है कि नहीं, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू ये और ये एक दूसरे में को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। अगर ये डिस्टेंस देखें तो x की वैल्यू 20/3 आई है, तो 20/3 तो 10 - 20/3 करेंगे तो ये 10/3 बच जाएगी है कि नहीं, तो उस केस में ये 10/3, तो हम क्या लिखेंगे कि क्यू क्यू बाय 10/3 होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या है कि मैंने ना इनकी डायरेक्शन कंसिडर कर ली है, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स है, वो डायरेक्शन जो है वो कंसिडर हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल किया, दोनों फोर्सेस का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगे तो ये फोर्स इसके नेगेटिव होनी चाहिए है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ क्यू का। हाँ, बाय इंट्यूशन मुझे पता है कि क्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो वो मैं साइन बाद में अपने मर्जी से पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से के कैंसिल आउट हो जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से देखें तो क्या वैल्यू आएगी,
तो 10 ये हो जाएगा 4q ठीक है बाय 100 इक्वल टू ये 100 बाय 9 तो हो जाएगा 9q बाय 100। तो उस केस में यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4/9 इंटू क्यू ठीक है। तो 4/9 इंटू क्यू तो ये क्या है, ये क्यू का मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्यू क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए -4/9 इंटू क्यू, तो ये जो है नेगेटिव होना चाहिए इसका। ओके अगर एक्चुअल में देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है। तो अब उसमें क्या होगा, ये क्यू इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसे ही आप देख सकते हो कि 4q भी इक्विलिब्रियम में होगा अगर क्यू की वैल्यू ये है तो। ओके वो आप चेक करके देख सकते हो, क्यू की वैल्यू पुट करके देख सकते हो क्या ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये था अलोंग द लाइन। ओके तो अगर मान लो जो है चार्ज सेम है तो बीच में इक्विलिब्रियम मिलेगा, अगर डिफरेंट टाइप है तो बाहर इक्विलिब्रियम मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये जो है यहाँ पे 4q है, यहाँ पे -q है, तो उस केस में चार्ज को कहाँ रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रह जाए, है कि नहीं। तो अगर बीच में रखोगे, अगर मान लो यहाँ पे रखा मैंने और कोई भी चार्ज रखा, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्यों क्या करेगा, ये 4q इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये -q उसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप कहीं भी रखो उस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, है ना। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ये रिपेल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये 4q उसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी तो वो इस डायरेक्शन में भागेगा। तो इक्विलिब्रियम में जो बाहर रह सकता है यहाँ पर रह सकता है कि नहीं, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, मान लो पॉजिटिव है, तो उस केस में -q इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन 4q इसको रिपेल करेगा, है कि नहीं। तो उस केस में इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो ऐसे ही केस यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो अगर हाँ ये बात सही है, अगर पॉजिटिव है ठीक है, तो पॉजिटिव है, मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो 4q उसको रिपेल करेगा, -q जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, दैट्स ओके। बट प्रॉब्लम क्या है कि 4q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन वो हमेशा ही इस +q के पास रहेगा, टेस्ट चार्ज के हमेशा ही नज़दीक रहेगा, तो उस केस में इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और इसकी डिस्टेंस भी कम है, तो हमेशा ये जितनी फोर्स लगाएगा वो हमेशा इससे ज़्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। यहाँ क्या है कि ये नज़दीक है, भले ही इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो लेकिन ये उस चार्ज के नज़दीक है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 10 है, 4q से -q, ये डिस्टेंस x है और यहाँ पे चार्ज q रखा है, तो x फाइंड आउट करते हैं। तो उस केस में -q इसको अट्रैक्ट करेगा अगर पॉजिटिव लिया है हमने, और 4q इसको रिपेल करेगा। तो रिपल्शन जितनी होनी चाहिए उतनी अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, तो उस केस में इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि k 4 q q बाय ये डिस्टेंस, अब यहाँ से यहाँ टोटल जो है वो ये 10 है, इतनी 10 है, तो ये हो जाएगी टोटल 10+x। अब इसका कितना मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है k q q/x2। हाँ यहाँ मैंने -q नहीं रखा है क्योंकि माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन को शो करता है, और हम इसके डायरेक्शन कंसिडर कर चुके हैं कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके तो ये वेक्टर फॉर्म में देखेंगे माइनस साइन कैसे डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ से अगर देखें तो 4q से ये क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, तो उस केस में 4x² = 10+x² तो स्क्वायर रूट कर लो तो 2x = 10+x, तो इधर आ जाएगा x = 10 मीटर। तो यहाँ से अगर 10 मीटर दूर रखोगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो कि अगर मान लो इसका इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, है कि नहीं। तो वो भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्राई करो, है कि नहीं। अब ये तो था कूलम फोर्स और ये था सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से, है कि नहीं। तो अब जो है एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं कि है क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब भी मेरा चार्ज यहाँ पे रखा है, मान लो क्यू रखा है, ओके, तो उसके पास मैं टेस्ट चार्ज लाता हूँ, तो टेस्ट चार्ज मान लो क्यू है, तो जैसे इस क्यू के आसपास कोई भी चार्ज आता है तो वो चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती क्यों है कि नहीं, यहाँ से यहाँ। अब इस क्यू ने इस क्यू को टच तो नहीं किया, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से भी ये क्यू इस क्यू पे एक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। जैसे दो मासेस दूर दूर हैं तब भी फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, तो हम वहाँ डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही यहाँ पे जो ये क्यू है वो अपने सराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, ओके। तो अब देख लेते हैं कहाँ किस चीज़ को गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये फोर्स कितना लगाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, है कि नहीं, और ये डिस्टेंस आर है, तो ये जो फोर्स होगी वो होगी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आर कैप हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस केस में मैंने क्या कहा, आर कैप का मतलब है ये आर डायरेक्शन है, तो इसी ये डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इसी डायरेक्शन में आर कैप है, ओके। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन के लो, ओके। तो अब लिखा क्या गया कि मैं इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये फोर्स जो है वो है क्यू इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ओके। अब इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, इस क्वांटिटी को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, इस फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू इंटू ई, और ये ई क्या है, ये ई एज ए डिफाइन की गई है के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, कहाँ पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, तो जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, ओके। अब कंसेप्ट समझते हैं, है क्या कि ये चार्ज क्यू अकेला था अपने आसपास, ठीक है, तो उसके आसपास अगर कोई भी चार्ज आएगा दूसरा, तो अपना ये क्यू जो था वो टेस्ट चार्ज था, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो है हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये वैल्यू काफ़ी कम होती है इस टेस्ट चार्ज की। तो हुआ क्या कि इस क्यू को यहाँ लाएं तो इस क्यू ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि वो फोर्स इतना होगा, ये कूलम्ब लॉ हमें बताता है, तो हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की और वो की इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि हम फोर्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लें चार्ज क्यू इधर है और मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, तो अगर मुझे ई पता चल गया तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लाऊंगा क्यू तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, है कि नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मैं बार बार जो है वो दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स निकालने की बजाय मैं स्पेस में हर पॉइंट पे एक जो है वो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूँ, 3 कूलम चार्ज रखूँ, 4 कूलम चार्ज रखूँ, फिर मैं इस चार्ज की वजह से उन दोनों के बीच में अलग अलग टाइम उस पे फोर्स निकालूँ, तो ये प्रोसेस है। या ये मैं कहूँ कि मुझे ये क्वांटिटी पता चल जाए, ओके, तो अगर 4 कूलम मैंने चार्ज लाया तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चल जाएगा उस 4 कूलम पे कितना चार्ज, कितना फोर्स लगेगा। अगर 2 कूलम चार्ज रखना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो फिर पता चल जाएगा उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी यूजेबल चीज़ है, ठीक है। तो बार बार कूलम फोर्स कैलकुलेट करने के बजाय हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं और उससे पता चल जाएगा कि चार्ज वहाँ पे कितना चार्ज रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ओके। तो उस केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी डिफाइन किया गया, ये होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके। तो F by Q, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे किया गया, अगर मैं Q की वैल्यू 1 पुट कर दूं, इफ़ Q इक्वल टू 1 यूनिट या 1 कूलम, है कि नहीं,
तो अगर मैं क्यू की वैल्यू 1 कूलम पुट कर देता हूँ तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कि क्यू बाय आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 इंटू आर कैप, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, तो के क्यू आर स्क्वायर बाय इंटू आर कैप, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो उस केस में फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, कब? जब टेस्ट चार्ज है वो 1 यूनिट हो। तो यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दी गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या की दी गई कि अगर आपको स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने, मान लो इस पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में कहा क्या गया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर उस पॉइंट पे अगर हम एक 1 कूलम चार्ज पुट कर दें तो उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब ध्यान देखो कि फोर्स की डायरेक्शन किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, पॉजिटिव चार्ज पे। ओके, पॉजिटिव चार्ज ही हमारा यूनिट चार्ज है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये क्यों उसको अट्रैक्ट कर रहा होता। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन कैलकुलेट कर, ये डायरेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उस पॉइंट पे हम एक पॉजिटिव चार्ज पुट करेंगे और देखेंगे उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ अगर माइनस क्यू चार्ज, माइनस फोर क्यू चार्ज है, ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो उस केस में यहाँ पे जो है अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूँ प्लस क्यू, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगी? उस पे लगेगी इधर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही होगी। ठीक है, तो माइनस क्यू की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो और वैल्यू कितनी होगी ई की, जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा के फोर क्यू, अगर इस क्यू को रख दे 1 कूलम, है कि नहीं, तो के फोर क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस आर कैप, माइनस आर कैप मतलब ये आर डायरेक्शन है तो ये माइनस आर डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप ऐसे रख सकते हो। तो हमें अब जो है कूलम्ब फोर्स के बजाय हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्ब लॉ फोर्स कर, कूलम्ब फोर्स जो है वो फॉलो करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे जो है मान लो ये चार्जेस हैं ठीक है, तो यहाँ पे मान लो प्लस टू क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस टू क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो बताना है ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है, ये स्क्वायर है, तो बताना है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज कर दें, यूनिट चार्ज कर दें, तो ये प्लस क्यू उसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू उसको इधर रिपेल करेगा, दोनों सेम फोर्स से रिपेल कर रहे होंगे, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कैंसिल आउट। तो या ये कह सकते हो इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कैंसिल आउट। अब बची सिर्फ इस लाइन के अलोंग, है कि नहीं, सिर्फ डायगोनल के अलोंग, तो इस प्लस क्यू की चार्ज की वजह से इधर इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू टू क्यू की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी। ओके, तो ये डिस्टेंस ए है तो ये टोटल रूट टू है, तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी ए बाय रूट टू। ओके, तो यहाँ पे टू क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, माइनस टू क्यू की वजह से भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों की वजह से जो है ऐड हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टू क्यू की वजह से कितना होगा के टू क्यू
बाय डिस्टेंस कितनी है, ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये ई नेट आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन तो हमें पता ही है, तो मैग्नीट्यूड प्लस। अब इस माइनस टू की वजह से भी इसी डायरेक्शन में है कि नहीं, इसकी तरफ होगी माइनस चार्ज की तरफ, तो उस केस में ये डिस्टेंस भी ए बाय रूट टू हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के इसका मैग्नीट्यूड टू क्यू है बाय ए बाय रूट टू होल स्क्वायर। तो सिंपली ए स्क्वायर टू, ए स्क्वायर टू, तो ये फोर फोर एट के क्यू बाय ए स्क्वायर। ओके, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सेंटर पे। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक दो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जो अलग अलग चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है कुछ जो है हमने एग्जांपल देखे थे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तो इसमें हम जो है वो रिंग का एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होगा। इंटीग्रेशन ही करना होगा पहले, तो यही बात है। तो उसमें क्या इंटीग्रेशन करना है कि जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे ये रिंग जो है वो गिवन है और उसके एक्सिस पे एक पॉइंट है एक्स, और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो इस रिंग की वजह से कैसे कैलकुलेट करें। तो इस रिंग को जो कि ऐसे है, अगर मैं इसको सामने से देखूं तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर सकता हूं, है कि नहीं। मान लेते हैं इसका छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं, इतना सा है कि नहीं। तो उसमें इस पे जो भी डी क्यू चार्ज होगा, उस डी क्यू चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे है, ये छोटा सा पोर्शन ये डी क्यू है, तो इस डी क्यू की वजह से ये रेडियस मान लेते हैं आर है, कैपिटल आर है। तो यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी डी ई, है कि नहीं। तो ये डी ई इस डायरेक्शन में होगी, ये एंगल थीटा होगा। तो इस डी क्यू चार्ज की वजह से मान लें टोटल चार्ज क्यों हुआ है वो हम कैसे देख लेंगे, लेकिन इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इस डी की वैल्यू क्या होगी, ये डी जो होगी वो सिंपली के डी क्यू बाय, अब ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ, तो ये एक्स है, तो ये इतनी एक्स है, तो ये उस केस में ये एक्स है ये आर है, तो ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो उस केस में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यही हो जाएगा। तो अब ये डी इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर दूसरा पॉइंट चार्ज कंसीडर करूँ जैसे नीचे वाला, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो ये अगर नीचे वाला कंसीडर करें तो इस नीचे वाले की वजह से इस डायरेक्शन में होगी डी ई, है कि नहीं। तो अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस एक्स है, तो ये ट्रायंगल दोनों कंकरेंट ट्रायंगल हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, अपोजिट एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस डी का एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, है कि नहीं, और इस डी का भी कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वर्टिकल इसका, तो इस डी कोस थीटा होगा उधर, और इधर होगा डी ई साइन थीटा। ऐसे ही इस ई के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक इसके अलोंग कोस थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो अब देखो ये डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा तो कैंसल आउट हो जाएंगे, अपोजिट हैं, तो इसका मतलब इसके इस डी क्यू चार्ज ने इस डी क्यू चार्ज के सिर्फ इस वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसल आउट कर दिया, तो अलोंग द लाइन जो कंपोनेंट है वो सिर्फ ऐड हो जाएंगे डी कोस थीटा डी कोस थीटा दोनों के। ऐसे ही इसके अपोजिट वाला चार्ज जो है
वो दोनों जो एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे. वर्टिकल का मतलब क्या है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं, और सिर्फ अलोंग द लाइन जो है ऐड हो जाएंगे. तो हर किसी का जो है, जितने भी पेरिफेरी पे जितने भी चार्ज हैं छोटे छोटे, या जितने भी आप पॉइंट चार्ज कंसिडर करो, तो हर पॉइंट के अपोजिट में एक पॉइंट होगा जिनके जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे. तो मैं क्या करता हूँ कि हर जितने भी जितना भी स्मॉल चार्ज है, तो जितने भी पॉइंट हैं सभी के लिए मैं उनका डी कोस थीटा ऐड कर देता हूँ. तो डी साइन थीटा एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो जो डी आ जाएगा वो सिंपली, तो ई नेट जो आ जाएगा वो सिंपली होगा डी ई कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन, है कि नहीं. मतलब मुझे क्या है कि डी क्यू में हर पॉइंट चार्ज जो है वो कंसिडर करना है. ओके, तो उस केस में अगर मैं यहाँ देखूँ तो डी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा के डी क्यू. ओके, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर यहाँ से देखें, तो कॉस थीटा अगर देखें तो ये है बेस एक्स, ये है हाइपोटेनियस, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा होगा, तो एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, बाय के डी क्यू बाय ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अगर ये देखें तो ये वैल्यू है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लें. अब देख लें क्या क्या कॉन्स्टेंट है. रेडियस, रिंग की रेडियस कॉन्स्टेंट है, हाँ ये रेडियस आर है, तो हर पॉइंट के लिए रेडियस आर ही रहेगी, ठीक है. रिंग के सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, तो हर पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगी, तो डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस एक्स जो है हर पॉइंट की सेम रहेगी. ये कंसिडर करो, ये कंसिडर करो, ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, आप एलिमेंट इधर से उधर चेंज कर रहे हो तो, ठीक है. हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए मैंने डी कोस थीटा ऐड किया सबका, डी साइन थीटा जो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आर कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में के तो है ही कॉन्स्टेंट, तो बाहर निकाल लें तो ये क्या हो गया, के एक्स बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, है कि नहीं, क्योंकि ये 1 है पावर, ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ 3/2 इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन. तो डी क्यू मतलब मैं यहाँ का पोर्शन चार्ज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ का ऐड कर रहा हूँ, यहाँ का इस पोर्शन का, हर पोर्शन का चार्ज जो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा क्यू, तो ये सिंपली हो जाएगा के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. और यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, तो एक्सिस पे इसके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, है कि नहीं. एक्स जीरो है, तो एक्स को जीरो पुट कर दें तो ई की वैल्यू क्या होगी, अगर एक्स को अगर हम जीरो पुट कर दें तो इसका मतलब सेंटर पे आ जाएगा ना यार यहाँ पे पॉइंट, तो उस केस में ई क्या होगा, ई जीरो होगा. देख भी सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये इसको इधर होगा उसकी वजह से इधर, तो सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो x इन्फिनिटी पे भी जो है वो e की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, x इन्फिनिटी पुट करके देखो, है कि नहीं. तो उस केस में देखो क्या आएगा, इन्फिनिटी का मतलब है x को काफ़ी लार्ज पुट करो, तो x को लार्ज पुट करोगे तो r स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा x क्यूब, x डिवाइड बाई x क्यूब, तो उस केस में ये 1/x², और 1/x², तो x को इन्फिनिटी करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. तो x पे भी ज़ीरो, इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो, तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो e वर्सेस x का, तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा x, तो e ज़ीरो, इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है. तो उस केस में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू होगी ये, तो जो है e की वैल्यू थी वो थी के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पे ये e मैक्सिमम होगी, तो मुझे बताना है यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी. तो उस केस में e मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, तो हम डी बाई डी एक्स को जो है वो ज़ीरो पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप स्लोप करो तो उस टेंजेंट का स्लोप जो है वो ज़ीरो होना चाहिए,
और ई वर्सेस एक्स ग्राफ है तो डी बाई डी एक्स जो इस ग्राफ का स्लोप देगा, तो उस स्लोप जहाँ पे ज़ीरो होगा वहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो और एक्स की वैल्यू और उस डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करो और देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर देखोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आर बाई रूट टू आएगी। ओके, तो इसका मतलब इस रिंग से इसके एक्सिस पे, तो यहाँ पे आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे और इससे पीछे आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे, ठीक है, ये माइनस आर बाई रूट टू। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी। तो अगर ये चार्ज है तो उसके इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द रिंग होगी। ओके, तो एक्स आर बाई रूट टू पे ये मैक्सिमम होगी ई। तो इसमें इतना ही बस।